चुनाव का क्या माहौल है? कोई खास विकास नहीं हुआ है। लास्ट मिनट बच्ची के नाले में गटर में। एमएलए से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेहरबानी करके यहाँ के एरिया के ऊपर देखे, इतना माहौल इतना खराब हो चुका है यहाँ का, कोई भी लोगों को होश नहीं रहता है नशे में कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। हमको वोट दो, हम सब कुछ करेंगे। अभी किधर गए सब जन? एकदम डर लग रहा है कि बच्चे खेलने नहीं जाए, अरबी नहीं जाए, ट्यूशन नहीं जाए, इतना रेप हो रहा है यहाँ पर। क्या ठीक है, इतनी महंगाई हुई, आम जनता क्या खाएगी? झोपड़पट्टी म्हणून इथे आलात, इथे आल्यानंतर तुम्हाला लक्षातच नाही इथे झोपडपट्टी आहे म्हणजे, हे बिल्डिंग झाली सर्व, कामच आहे त्यांचं साहेब। नमस्कार, मी मनोज होयर, मॅक्स महाराष्ट्र मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आणि विधानसभेच्या या निवडणुकीमध्ये गोवंडी शिवाजी नगर मतदार संघामध्ये आम्ही इथे पोहोचलेलो आहे। या मतदारसंघाचा आढावा घेणार आहोत, लोकांशी बोलणार आहोत आणि मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या मतदारसंघात आम्ही लोकांशी तिथे थेट जाऊन त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। हा आहे गोवंडी शिवाजी नगरचा एरिया। तुम्हाला लक्षात येईल की अत्यंत क्राउडेड, मोठे मोठे पूल गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेले आहेत, पण तरी सुद्धा उत्तर प्रदेशचा फील यावा, तुम्हाला इथे आल्यानंतर असं वाटावं की तुम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये आलेले आहेत। काही उत्तर भारतीय बांधव इथे राहतात, मुस्लिम राहतात आणि काही मराठी राहतात, पण जास्त करून मुस्लिम मतदारसंघाची संख्या इथे जास्त आहे। म्हणून इथले आमदार आहेत समाजवादी पक्षाचे अबू असीम आझमी आता महाविकास आघाडीकडून निवडणूक लढत आहेत, म्हणजे त्यांचा समाजवादी पक्ष हा महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी झालेला आहे। आपण आता जरा लोकांशी बोलत राहू, त्याच्या विधानसभा का चुनाव है अभी जी, म्हणजे क्या माहौल है? माहौल अभी तो कोई खास नहीं, अब चालू होगा माहौल, अभी क्या है, अभी तो डेट फिक्स हुई है यहाँ की 20 नवंबर की। यहाँ के विधायक कौन है? विधायक यहाँ के इस वक्त अबू आसिम आजमी साहब, पिछले 10 सालों से विधायक है। 10 सालों से सर, पिछले 10 सालों से अबू आसिम है और काम भी अच्छा कर रहा है। अच्छा, हाँ काम भी अच्छा कर रहा है। और आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ पे 22 साल से बॉम्बे के अंदर। अच्छा, और गाँव आपका? हमारा यूपी बदायूं शरीफ। अच्छा, बदायूं से? बदायूं शरीफ। तो क्या विकास हुआ है यहाँ का? हाँ विकास क्या, अबू आसिम के टाइम में विकास हुआ था। अच्छा चाची, क्या विधानसभा का चुनाव आया है? कलर है, रेडीमेड कलर बेचता हूँ। रेडीमेड कलर बेचता हूँ। आज आप रेडीमेड कलर बेचते हैं? कहाँ बेचते हैं? रोड के ऊपर। ओरिजिनल ईमानदारी के माहौल अगारी सरकार है। अच्छा, अब हम बेईमानी के तो समझ जाओ बहुत सारे। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव अभी चुनाव है ना, यहाँ के विधायक कौन है आपके? यहाँ के विधायक कौन है? तो है मालूम है ना भाई, मैं वोट देता हूँ तुमको, आता है वो तो फायदे क्या वोट देके। किती वर्ष झाले या भागात राहता? मी माझा बॉर्न अँड बॉटर मी शिवाजी नगर मधीच आहे। अच्छा, माझा मायका इथं आहे, मी ते 25 वर्ष झाले मी ते राहते, पण बोलतात ना एकदम वस्त झाले बायकांसाठी, ते एकदम वस्त झाले, कुठल्याही जातचे असून दे एकदम वस्त झाले। पोरांना समजवायला गेले ना, ती एवढी यंग पोरं, क्लासेसची पोरं बॅड वर्ड जाऊ देतात, काय एकदम घाण करतात, दाखवतात बोर्ड दाखवतात आम्हाला बायकांना, मग आमची सेफ्टी कोण आहे, कोण देणार आम्हाला? एवढा वैताग आलाय, आम्ही असं उभं राहून फ्री, म्हणजे फ्री सारखं आम्ही उभं पण राहू शकत नाही, एवढा प्रॉब्लेम झाला आम्हाला। आता एक फोन केला तर पोलीस 10-15 मिनिटं तर लागणारच ना त्यांना यायला, त्यापर्यंत घडून जातात, गल्ल्या गल्ल्यामध्ये निघून जातात, मग आम्हाला त्रास केवढा होतो। मग बच्चे लोक बहुत खराब रहते है ना, वो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, वो बच्चे लोग स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, बहुत डर लगता है, वो लड़की लोग है ना, अब औरत को भी डर लगता है, ऐसा गली गली में बहुत खड़ा रहता है बच्चे लोग, वो देखना पड़ता है ना, पुलिस का वो काम है ये देखना। पण तिकडे पोलीस सगळे इतने मदतीला येतात? अरे पोलीस लोक त्यांचे कष्ट असते तेव्हा ते येणार ना, पण आपण सांगितल्यावर आता काय, आपण सगळेच लोक सांगतात का असं पोलीसला, कोणी घाबरून बसते ना, बरोबर ना, आपल्यावर कोणी पाळत ठेवेल, आपलं कोणाला काय समजेल असं, म्हणून कोण बोलू शकत नाही ना, असं जायचं म्हणलं तरी बी घासून जायचंच। आणि बाथरूमच्या आजूबाजूला खूप इकडं
असे लोक उभे राहतात म्हणजे लय टेन्शन जरा झाले भरपूर टेन्शन झाले. गाँव कौन सा है यूपी में आपका? गुजरात है. गुजरात है? गुजरात से आए हो? हाँ गुजरात. बहुत सारे इधर तो बहुत साल से रहता है इधर हम लोग. बहुत साल से रहता है. बाबू क्या कर रहे हो? कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम लोग तो 3 साल से काम कर रहे हैं. गाँव कौन सा है आपका यूपी में? बालपुर. बहानपुर के हो? और यूपी में तो हमने देखा बहुत चुनाव चलता है जोर शोर से, माहौल रहता है एकदम, बातें होती है. महाराष्ट्र का चुनाव कैसे लगता है आपको? हम तो यहाँ का चुनाव भी देखे नहीं. देखे नहीं देख लोगे ना भाई, देखे नहीं तो देख लोगे. गांव कौन सा है? गंगा गोरखपुर योगी के. कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, पूरा देश हमारा है. देश तो हमारा है ही है. बिल्कुल हाँ, देश पूरा बढ़िया है, एकदम चमत्कार वाला देश. तो चुनाव में कोई वोटिंग कहाँ करते हो? गाँव में करते हो कि यहाँ करते हो? यहाँ बम्बई में करते हो. यहाँ कौन आना चाहिए विधायक चुन के? मसाल आना चाहिए. मसाल का कौन है अभी तुम्हारा विधायक कौन है? ये तो नहीं मालूम. अरे कमाल होगी यार. तर काय आता या वेळेला साधारणतः तुम्हाला काय स्थिती दिसते विधानसभा मतदार संघात? या इथल्या मतदार संघाची की ऑलओव्हर महाराष्ट्र? नाही या 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 विधानसभा. तुम्ही जिथे राहता ना तुम्ही इथेच राहता? इथे इथेच राहतो. या विधानसभेमध्ये समाजवादी पक्षाचा जोर आहे आणि त्या अबू आसिम आजमी तेच जिंकतील इथून. काम केलंय त्यांनी तुमच्या समोर. तुम्ही झोपडपट्टी म्हणून इथे आलात. हो हो. इथे आल्यानंतर तुम्हाला लक्षातच नाही इथे झोपडपट्टी आहे म्हणजे. हे बिल्डिंग झाली सर्व. हा हा. कामच आहे त्यांचं साहेब. तुमचं नाव काय? माझं नाव आलम शेख. तुम्ही पक्षात काम करता समाज? नाही नाही, या पक्षात काम करत नाही मी. मागच्या वर्षी मी विठ्ठल लोकरे साहेबांना सपोर्ट केलेला. शिवसेनेचं? माझा काही समाजवादी पक्षाबद्दल काही संबंध नाही. त्यांचं काम आहे. अबू आसिम आझमीच्या विरोधात कोण उभं राहणार आहे इथे? अजून जागा क्लिअर नाही. पक्षाने आपल्या कॅन्डिडेट क्लिअर केलेला नाही. शिवसेनेनं पण केली नाही. आणि शिवसेना युतीमध्ये आहे. उद्धव साहेब शिवसेनेची युतीमध्ये आहे. आणि दुसऱ्या पक्षाने काही अजून आपला उमेदवार डिक्लेअर केलेला नाहीये. पण पूर्वीचे शिवाजीनगर गोवंडीनगर म्हणजे हा जो विधानसभा मतदारसंघ होता आता तो बऱ्यापैकी बदलला. 10 वर्षात मला वाटतं 10 वर्ष आमदार आहेत. नाही 15 वर्ष त्या आमदारांना झालं आहे. 3 वेळा निवडून आले आहेत अबू आसिम साहेब. तिसरी वेळ आहे? तिसरी वेळ. आता ही 4थी वेळ उभे राहिल्या ते. बर बद्दल म्हणजे खूपच बद्दल झाला आहे 15 वर्षामध्ये. बरोबर. पण खूप आताही आपण पाहतो की खूप प्रचंड मोठ्या प्रमाणात क्राऊडी एरिया आहे. थोडा उत्तर प्रदेश मध्ये जसं आपण छोट्या छोट्या गल्लीज असतात ना, पण तरी त्यांनी बदल केलेला आहे. तुम्ही सिग्नलवर उभे आहात. जर आपण आतमध्ये गेलो तेव्हा तुम्हाला माहिती पडेल जे छोटे छोटे रस्ते होते ना ते मोठे मोठे झाले. अच्छा. हा यापूर्वी कसा होता माहितीये का? म्हणजे असे रस्ते होते त्याला पाठीमागे ना त्यांचा हे संलग्न झाले नव्हते. ते सुद्धा त्या आमदारांनी केलं आहे. त्यामुळे एरियाचा आपला रेट वाढला आहे आणि लोकांना सवलत झाली आहे. पाठीमागे बस डेपो आहे. तिथून डायरेक्ट लोकांना जाऊन तिथे बस डेपो मधून जाऊन तिथून बसण्यात येते. असं आहे. लोकांची सोय झाली. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. बरं इथे मुस्लिम हिंदू सगळे वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आपले प्रेमाने राहतात. दादा कुठल्या गावातले आहेत? तुम्ही कुठल्या गावचे? अच्छा तमिळनाडू. हे तर बहुत बढिया बात आहे. एकीतर एकीकडे मराठी एकीकडे तमिळनाडू आणि देवासाठी हार आणि फुलं सगळी तयार केली जात आहे. गुड. वोट का करते हो? गाव में करते. गाँव में करते हैं? कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ रह रहे हैं 2011 से. तो वोटिंग नहीं बनवाया यहाँ? नहीं नहीं, हमारा सब डॉक्यूमेंट गांव से है. तो कभी इच्छा होती होगी ना कि यहाँ भी वोट करे? गाँव में जाते रहते हैं लेकिन अभी पूरा डॉक्यूमेंट गांव का है, इसके लिए हमारा यहाँ का वो नहीं बन पा रहा है आईडी. अच्छा. हाँ पहले आपने देखा कि गोंडी का नाम मतलब झुग्गी झोपड़ी एकदम कंजेस्टेड एरिया. अभी तो था, अभी तो थोड़ा रोड वगैरह चौड़ा हो गया है, सब अच्छा है. तो आपका विधायक कैसे होना है? अब जो विधायक है वो काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. क्या नाम है उनका? अबू आसिम आजमी. मतलब ये दोबारा आपको चाहिए? हम लोग तो देंगे वोट. हम लोग तो देंगे वोट. एक नंबर आदमी. हम लोग उन्हीं को वोट देंगे. क्या बात है क्या बात है. आपके हिसाब से आपका विधायक कैसे है? एकदम एक नंबर. ग्रेट. अच्छा काम करता है? ऐसा होना चाहिए. हाँ. आपकी सुनता है? एकदम. और आपके पास भी आता है? एकदम बराबर. मतलब आप मिल काम करते हैं हमेशा हमेशा. अच्छा. वैसा विधायक तो होगा भी नहीं कोई. नहीं. और इसलिए कितनी बार चुन के आया अभी वो? ये तो 4थी बार है ना आपकी. हैट्रिक हो गया, अभी 4थी बार आएंगे. 3 बार हो गए मतलब 4थी बार आएंगे. पर स्कूल वगैरह सब ठीक है यहाँ? सब एकदम परफेक्ट. सबसे अच्छा, बहुत अच्छा है.
आपका गांव कौन सा है वैसे मूलतः? यूपी जिला। जाते हो गांव में? हमेशा। बोंडी शिवाजीनगर भागात फिरल्यानंतर आपल्याला हे स्पष्टपणे जाणवतं की या भागामध्ये राहणाऱ्यांचं मूळ गाव हे उत्तर प्रदेश आणि बिहार आहे, पण काम धंद्यासाठी त्यांच्या पिढ्यान पिढ्या या गोवंडी शिवाजीनगर मध्ये राहतात, म्हणजे खास करून मुंबईत राहतात। अशा प्रकारचं चित्र तुम्हाला मुंबईच्या भेंडी बाजार, नागपाडा या भागात सुद्धा दिसेल, पण इथे सुद्धा मुस्लिम समुदायाची संख्या खूप जास्त असली तरी काही प्रमाणात हिंदू सुद्धा इथे राहतात, आणि तसा काही वेळा हा सेन्सिटिव्ह भाग बनतो, पण बऱ्यापैकी इथे इतर वेळी शांतता नांदत असते। अब यही रहते हैं कितने साल? नहीं, मैं यहाँ दुकान भाड़े से है, मैं रहता हूँ जाकिर हुसैन नगर। अच्छा। हाँ, उधर वो डंपिंग के पास। हाँ हाँ हाँ। उसके सामने। तो वैसे माहौल कैसे है गोवंडी का, शिवाजीनगर? माहौल तो अभी देख ही रहे हो, अभी तक तो सब सही था, आगे चल के इलेक्शन का दौर है, क्या होता है क्या। अब डेढ़ साल की बच्ची के साथ ऐसा हो गया तो बोल ही नहीं सकते ना क्या कैसा माहौल। हाँ हाँ, ये अचानक से डेढ़ साल की लड़की का ये मृत्यु हो गया। हाँ, अचानक से कल 8 बजे रात को गायब हुई है, ढूंढ रहे थे, एनसी की है, फिर कंप्लेंट करने बाद पुलिस भी रात में आई। अभी भी सुबह से पुलिस, अभी 12 बजे 12:15 बजे लाश मिली बच्ची के नाले में, गटर में। ओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? हाँ, बहुत पुलिस थी, अभी तो कम हुई, बहुत पुलिस, पूरा रास्ता बंद किए थे, पुलिस ही पुलिस थी। चुनाव की ये बात थी, इतना क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पे, हम लोगों को अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ने के लिए हो रहा है, एकदम डर लग रहा है कि बच्चे खेलने नहीं जाए, अरबी नहीं जाए, ट्यूशन नहीं जाए, इतना रेप हो रहा है यहाँ पर। अभी SRA की बिल्डिंग में भी रेप हुआ है, मगर वो बात को दबा दिए कि क्या नाम है कि रेप हुआ। अभी इधर आए तो इधर से हम लोग छोटा छोटा बच्चा 1 साल का लेकर कहाँ जाने का, किधर जाने का, बच्चे स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, कितनी सेफ्टी रखने का। मैं तो यहाँ के जो भी MLA से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ के एरिया के ऊपर देखे, इतना माहौल इतना ख़राब हो चुका है यहाँ का, गांजा और चरस जगह जगह पर लड़के पीते खड़े हुए रहते हैं, लुखे लड़के खड़े रहते हैं, कोई भी लोगों को होश नहीं रहता है नशे में कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। तो बस यही मेरी यहाँ के जो MLA अबू आसिम आजमी से यही रिक्वेस्ट है कि कितने मामले ऐसे दब जाते हैं जो आते नहीं, माँ बाप पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमारी इज्जत खराब होगी, हमारे और बच्चे। तो मैं मेहरबानी करके जहाँ पे भी ये सब हो रहा है तो मैं यही बोलना चाहती हूँ अपने माध्यम से कि लोग इस पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक ये जागरूकता नहीं होगी ये चीज़ रोज़ होती रहेगी। बोल बोल के कितना ही लोग MLA हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई चीज़ के ऊपर, लगातार कुछ ना कुछ होता है। अभी तो बच्चा बाहर छोड़ने भी डर लग रहा है। कितनी सी बच्ची है वो? 1.5 साल की बच्ची है। खुदा ना खास्ता कल को किसी और के साथ में, लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे। अब अल्लाह मालिक है उसके साथ हुआ क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, अपने को तो एग्जैक्ट कुछ भी नहीं मालूम है। अभी वो पोस्टमार्टम में भी क्या आया वो भी नहीं मालूम है। बाकी जो भी है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने इधर के लोग ये जो पूरा प्लॉट में चरसी गंजी सब खड़े रहते हैं, उन लोगों को भी कोई बोलने वाला कुछ भी नहीं है। तो पुलिस भी अभी आज दिख रही है, अभी 8 घंटे के बाद में वो भी नहीं दिखने वाली है, तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब एक थोड़ा सा एक इनसिक्योर माहौल यहाँ तैयार हो चुका है, ऐसा लगता है? अच्छा चीज। हाँ जी मैडम जी, मतलब माहौल थोड़ा सा खराब हो चुका है जी। जी, इस पर क्या कहोगे आप? क्या बोल सकते हैं अभी, ये सब आप लोग को ही देखो अभी क्या है, पुलिस लोग को भी समझना चाहिए सब। हम लोग का तो, बच्चे लोग का ही, हम लोग का सब देख के सब दिमाग खराब हो गया है, इसके लिए तो आए ले। हमारी भी कल बच्ची को किसी ने छेड़े ला इधर, तो उसको तो हम लोग ने मारे, रास्ते में ही मारे ले। ऐसा जवान बच्ची नहीं चल सकती, तो छोटी मासूम बच्ची थी, तो सोच के हम लोग एकदम ताजा क्या ही हो जाएगा, 1.5 साल की बच्ची है वो। ये तो मतलब यहाँ अब लगातार ये घटनाएं घट रही है? हाँ बहुत, कहाँ सुनाई देती है, बाबा नगर में कभी कभी 8 नंबर रोड पे, कभी 10 नंबर रोड पे। हाँ वहाँ अभी तो वहाँ लड़के का, लड़के ने किया था वो रेप हुआ था। नशे का अड्डा बन चुका है। हम लोग परेशान हो गए, बोल बोल के थक गए, यहाँ तक हम लोग को मारने के लिए भी आ जाते हैं, और हम लोग बोलते ना छुट जाते लोग, एकदम 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 यहाँ तक आते, क्या कर लोगे बोलते। यहाँ है ना, जैसा कोई चाकू निकालता है, तलवार निकालता है, कोई किसी को कुछ बोलने ही नहीं जाने मिलता है, और एक जन बोलेगा ना तो दूसरा चेहरा दिखते बैठता है, दूसरा कुछ बोलता ही वो बोलेगा ही नहीं। एक ही जन मरो तुम लोग ही मर जाना, तो फिर सामने वाले कौन आगे जाएगा तुम बताओ ना। यहाँ MLA है, ये बनते हैं, लेकिन इस कामों के लिए कोई आगे नहीं आता है, बस वोटिंग मारने के लिए बस इतना ही बोलेंगे, हमको वोट दो हम सब कुछ करेंगे। अभी किधर गए सब जन? आना चाहिए ना अभी, अभी क्यों नहीं आ रहे? अभी तक के मेरा नहीं ख्याल है एक भी पॉलिटिशियन कोई आया होगा, कोई भी अभी तक के यहाँ पे दिखा नहीं है, ना तो यहाँ का नगर सेवक कोई दिखा है, ना कोई, सब अंजाम पुलिस वाले खड़े, वो भी पुलिस वाले भी खड़े रहेंगे, मैयत दफनाने के बाद कोई दिखने वाला नहीं।
और क्या यहाँ एमएलए वो तो कोई मतलब ही नहीं आ रहे, कोई कुछ मतलब नहीं आ रहा, सारी तकलीफें यही रह जाएगी, उन लोग ना कुछ काम ही नहीं आने वाले लास्ट तक के। अशी घटना झाली तर बोलायला पाहिजे, असं व्हायला नाही पाहिजे। आता इथं लय नशिळे पण लय आहे, पोर इकडं है तिकडं है, ते सर्व ते लोकांना जानकारी करायला पाहिजे, इन्क्वायरी करायला पाहिजे, त्यांना असं करा की मारून टाका, असं घटना दुसरे वेळ नाही यायला पाहिजे, है का नाही? असं झालं आता एकच झालं कुणी, आता दुसऱ्यांचं झालं तर मग काय करायचं? हा त्यांच्यामुळे एक्शन घ्यायला पाहिजे, है का नाही? क्या चल क्या रहा है भी, देखिए बच्ची का ऐसा ऐसा हो गया, कल ही खबर मिली थी और आज ऐसी बात हो गई, अब उसमें क्या बताया जाए। ये गंजेड़ी नशेड़ी सगे ये कहाँ से अभी आते? ये तो कहाँ से यहीं के हैं और कहाँ से आते हैं, अब वो देखना पड़ेगा ना, देखेंगे भाई पुलिस है वो कार्रवाई करेगी, देखेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, है? लेकिन ऐसा होना ये बहुत गलत बात है ना, उसके लिए अब ये लोग छानबीन कर रहे हैं, अगर रात को हुई होती छानबीन हो सकता है और जल्दी पता चल गया होता, शाम की घटना थी और सुबह में हुआ, माहौल ही बिगड़ गया जो है, रात में बच्ची गायब हुई फिर सुबह उसके लाश। लेकिन मैंने सुना है कि नशेड़ी गंजेड़ी बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ, महिलाओं की सिक्योरिटी नहीं है। हाँ नशेड़ी तो ज्यादा है, तो कैसे सुरक्षा होगी महिलाओं की? प्रशासन उस पर थोड़ा ध्यान दे और क्या। पर ये प्रमाण क्यों बढ़ गया है यहाँ इस इलाके में नशे का? नशे का भी कैसा है यहाँ, अभी कहाँ से आता है, कैसा नशा करते है, पुलिस को छानबीन करना चाहिए, देखना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा अगर हो किसी के भी घर में कुछ हो सकता है, आपको क्या लगता है? इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए, किसने किया ये, क्यों किया, और जल्द अज जल्द मैं आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरन आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर वो नशे वाला है बहुत सख्त कार्रवाई हो और आम आदमी भी हो कोई भी हो। पर ये कहाँ कैसे बढ़ गया गोवंडी शिवाजी नगर में नशे का, कैसे बढ़ गया ये? हम लोगों ने रोका नहीं इनको। अगर हमारे घर के पास या कहीं और भी कोई भी नशा कर रहा है कोई प्लॉट में, हम उसको मना करेंगे तब वो ये लोग रुकेंगे। हम लोग उनसे ये डरते हैं कि ये आउटलाइन लोग है, आम आदमी इसलिए थोड़ा सा घबरा जाता है, ये आउटलाइन लोग है। लेकिन अगर हम में का हर आदमी, हर चलने फिरने वाला माँ बहन भाई बड़ा बुजुर्ग उनको मना करेगा तो ये हट जाएंगे यहाँ से, और इसको अब हटाना बहुत ज़रूरी हो गया। यही एक चुनाव में मुद्दा बन सकता है? चुनाव को दूर रखिए अभी आप, ये बच्ची मेरी बेटी, आपकी बेटी, आपकी पोती, आपकी नवासी, एक मासूम सी बच्ची के साथ कितना गलत हरकत हुई, दिल दहलाने वाला, कलेजा कांप जाता है ये सब बातों से। मैं आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द इंक्वायरी की जाए और आरोपी को पकड़ा जाए। आप लोग क्या कहेंगे, मतलब आप युवा हो फिर भी यहाँ नशे का काम चलता है, कितने सारे लोग नशा करते हैं, कुछ नहीं बोल अरे गलत तो है, नशा पानी गलत है। आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता, जरूरी नहीं है। और भी बच्चे हैं, बच्चे रोड पे खेलते हैं, वो तो इतनी छोटी थी, बड़े बड़े बच्चे भी है, एक आदमी अगर उठा के ले जाए तो थोड़ी वो बच्ची कुछ बोल पाएगी, मुंह बंद कर देंगे, वो तो छोटी सी बच्ची थी। अब जिसकी बच्ची गई है उसको पता है। अब किसको वोट दोगे आप, कुछ है आपके मन में? यहाँ के मुद्दे हल हुए हैं गोवंडी के? नहीं मुद्दे तो वैसे के वैसे ही हैं अभी, मतलब लेकिन 10 साल हो गए विधायक है यहाँ, अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं, आपके बच्चों को शिक्षा मिलती है ठीक से? शिक्षा तो मिलती है लेकिन यहाँ सब जो है बहुत कोई खास विकास नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? जी हमारा तो जन्म ही हुआ है। अच्छा जन्म ही यहीं हुआ, और गांव जाते हो यूपी बिहार में कहीं? हाँ जाते हैं ना यूपी में। तो यहाँ कोई इतना विकास हुआ नहीं है जो होना चाहिए था, पहले तो बहुत झुग्गी झोपड़ियाँ थी, अभी नहीं है उतनी? अभी सब पक्के बन गए, पहले कच्चे थे अभी सब पक्के बन गए। अच्छा हाँ, किसको वोट दोगे इस बार? क्यों बोल के वोट देना पड़ता है? फिर भी झगड़े कर जाएंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे, जो अच्छा करेगा उसको देंगे ना। लेकिन आपका कोई पैरामीटर होगा ना कि भाई नाम मत बताओ, लेकिन आपका विधायक कैसे होना चाहिए? विधायक अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब देश को संभाल के लेने वाला चाहिए। हाँ अच्छा, और अभी के अभी जो काम है इस चुनाव क्षेत्र का वो ठीक है? क्या ठीक है, इतनी महंगाई हुई आम जनता क्या खाएगी, हर चीज के ऊपर महंगाई कर दी है।
सस्ता है किधर ये जमाने में बताओ, खाली ये सस्ता है 30 रुपए है ये सुरमा, ये गरीब के लिए। हाँ, ये गरीब सुरमा तो बड़ा बढ़िया बन रहा है, मतलब आप लोगों के बीच में गरीब के लाएगी, सारे एकदम खड़े हुए हैं सुरमा खाने के लिए। अच्छा, मतलब लोकसभा में वोटिंग किया था? नहीं, अभी विधानसभा में करोगे? अभी विधानसभा में करेंगे। क्या लगता है गोड ने शिवाजी नगर बदल गया, जन्म यही का है कि दूसरे गाँव का है? यही का। बचपन में तो हमने देखा बहुत झुग्गी झोपड़ियां थी, अभी कुछ विकास हुआ है? थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, गति से नहीं हुआ है। इतना की दुकान है, हमें भी लगा दीजिए एक, हम तो बड़े शौकीन हैं। क्या बात है, क्या बात है। धंधा कैसे चलता है आपका? सब ऊपर वाले का, ऊपर वाले का रहमो करम है, लेकिन चलता है धंधा, जगह मिल जाती है। और यहाँ मतलब छोटे बच्चे या वुमन सिक्योरिटी? वुमन सिक्योरिटी तो है ही नहीं, जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है, कोई भी कास्ट को नहीं है। लेना देना औरत लड़की एक ही है ना, कोई भी धर्म की रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, सब एक ही है, चाहे वो हिंदू रहने मुस्लिम रहने, उससे मतलब नहीं है किसी को। अब हम लोग आजू बाजू रहते हैं, सब एक जैसे ही रहते हैं ना, उसमें कौन सी बात आ गई है? एक का कुछ रहेगा मसला तो सब मिलके आना चाहिए, मेन बात वो होती है। दरवाजा बंद तो हम लोग भी तकलीफ में ही है ना, अब ये बच्ची के साथ ऐसा हो गया। आप यही रहते हैं? आपके इधर सब ठीक है? मैं तो 5 नंबर में रहते हैं। ठीक तो नहीं है सर। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं ठीक तो नहीं है, मतलब मैं बोल, अभी मेरी बच्ची ट्यूशन जाती है, मैंने ऐसा सुनी तो मैं जॉब पे से भाग के इसको लेने के लिए आई, जबकि रोज डेली अकेले आती है। जब 1.5 साल की बच्ची सर सेफ नहीं, तो हमारी बच्ची तो अभी फिर भी 13-14 साल की है, तो हमारी बच्ची कैसा सेफ रहेगी? हम लोग को सेफ्टी चाहिए सर, बस हम लोग की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ करो।